हेलो, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू द मिराकल हब। आज हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल फेस पैक जो कि एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए है, मतलब जिनको एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है उन लोगों के लिए ये फेस पैक है। तो अगर आप लोगों को भी एक्ने का प्रॉब्लम है तो इस पैक को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। जो प्रोडक्ट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी वो अगेन डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक रहेंगे। ये जो पैक है ये हम बना रहे हैं बनाना से, और इस पैक से हमारी जो स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, वो कम होती है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करने में हेल्प कर सकता है। पिंपल्स को फाइट करता है ये पैक, और एक्ने स्कार्स और ब्लेमिशेस अगर आपको हैं, कोई स्पॉट्स आपको हो गए हैं जो एक्ने होने के बाद हमारे फेस पे मार्क्स रह जाते हैं, तो उनको भी ये पैक ठीक करता है। तो किस तरीके से बनाना है इसे वो देख लेते हैं, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए हैं वो देख लेते हैं। ये हमने लिया हुआ है राइप्ड बनाना, हाफ हमने लिया है, आधा हमने जो पका हुआ केला है वो लिया है। बहुत अच्छे से ये जब पक जाए तभी हमें इसे यूज़ करना है। सो ये जो है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा हमारी स्किन से, और इरिटेशन अगर कोई है, इचीनेस अगर है तो उसको ये कम करता है। अब उसके बाद हमने ये नीम पाउडर लिया है, जो मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून, यानी कि एक छोटा चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे नीम का पेस्ट भी ले सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं अवेलेबल है नीम तो आप फ्रेश पेस्ट बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी, एक छोटा चम्मच आपको यूज़ करना है वो भी। उसके बाद हमने ये टर्मरिक लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ली है, आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेन का प्रॉब्लम है कि आपकी स्किन पे हल्दी का दाग रह जाएगा, स्किन पीली दिखेगी, तो फिर आप ये कस्तूरी हल्दी यानी कि वाइल्ड टर्मरिक ले सकते हैं। ये भी हमने ली हुई है 1 टीस्पून यानी एक छोटा चम्मच। नाउ नीम पाउडर और टर्मरिक में होती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपका एक्ने क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये मास्क जब हम पूरा यूज़ करेंगे तो ये हमारे पिंपल्स को फाइट करने में, एक्ने स्कार्स को, एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और ब्लेमिशेस को भी ये फाइट करने में हेल्प करेगा। किस तरीके से बनाना है, अगेन ये जो हमने एक छोटा चम्मच लिया हुआ है नीम पाउडर का, इसे आप इसमें ऐड कर लीजिए, देन ये एक छोटा चम्मच हल्दी, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ उनके लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास वो प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो तो आप ऑनलाइन उनको परचेज़ कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। सो ये आपका पैक बिल्कुल रेडी है। आप इसे कैसे यूज़ करना है, कितनी देर के लिए अप्लाई करना है वो बात कर लेते हैं। सो इसे आप अपने फेस पे और अपने नेक एरिया पे अप्लाई करेंगे, और उसे आप 20 मिनट्स के लिए रहने देंगे। 20 मिनट्स रहने देने के बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट्स में आप जो भी पैक रिमूव करते हैं, अगर इस तरीके से रिमूव करेंगे ना तो बेशक उसमें कोई ऐसा स्क्रब जैसे पार्टिकल्स नहीं होंगे, बट वो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। तो हमेशा इस तरीके से ही सर्कुलर मोशन में अपना पैक रिमूव कीजिए, बट बिल्कुल जेंटल प्रेशर। स्किन को इस तरीके से आपने मूव नहीं करना है कि ये ऐसे स्किन मूव हो रही है, बिल्कुल जेंटल प्रेशर इस तरीके से हल्के हाथों से, बिकॉज हमारे फेस की स्किन ऑलरेडी बहुत डेलिकेट होती है। तो उसको इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट से आपने थोड़ा सा रब करना है अराउंड 1 मिनट के लिए, देन पानी से उसको अच्छे से धो लीजिए। इस पैक को आप हफ्ते में 2 दिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 2 दिन अगर आप इसको हफ्ते में लगाते हैं तो आपको कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क अपने फेस पे दिखने लग जाएगा। नीम में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगी, और एक्ने को एकदम से वो ख़त्म कर देगी। सो अगर आप इस पैक को यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स आप बताना चाहते हैं मुझे कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है पैक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, पसंद आता है आपको, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे ऐसे ही ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मिराकल हर्ब को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।